नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। कभी आपने सुना है कि किसी जिले में 50,000 नौकरियां गई हो और वहां के चुनाव में ये मुद्दा ना हो? अगर आपको अचरज हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि अभी हम अमृतसर के अटारी बॉर्डर पे हैं और मेरे पीछे ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। यहाँ पे कभी जब भारत पाकिस्तान का ट्रेड चलता था तो यहाँ पे हजारों लोगों को नौकरियां मिलती थी, लेकिन जब ये व्यापार बंद हुआ तो ये नौकरियां भी चली गई। यहाँ पे हमने ट्रक ड्राइवर से बात की, ट्रक ओनर से बात की, रेस्टोरेंट वालों से बात की, ढाबे वालों से बात की और तमाम तरीके के जो रोजगार यहाँ पे पैदा होता था वो 2019 के बाद बंद है। ये रोजगार के बंद होने के बाद में, रोजगार के जाने के बाद में, नौकरियां जाने के बाद में तमाम लोग अब जो है इसी रीजन में नौकरियों को तलाश रहे हैं। लोग 4,500 की नौकरियां भी करने को मजबूर हैं, लेकिन पंजाब में चुनाव का माहौल है। इस पूरे माहौल के बीच में राजनीतिक पार्टियों की ठगी देखिए कि कोई इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमने कुछ नागरिकों से बात करने की कोशिश की है, नागरिकों से, ट्रक ड्राइवर से, ट्रक ओनर से, कि इसका असर कैसा हुआ और ये चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं है, तो उस पर वो क्या क्या सोचते हैं, सुनिए उन्हें। हम तो ट्रांसपोर्टर ही हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम था। मेरे पास जैसे 6 गाड़ियाँ थी, इनके पास 12-13 गाड़ियाँ थी। तो जब काम चलता था तो मतलब अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से ये क्राइसिस आया, इन्होंने भारत पाकिस्तान ट्रेड बंद किया, तो जो मेरे पास 6 थी वो भी बिक गई। इनके पास अभी 6-7 होगी। कुछ जैसे हमारे यहाँ पे 165 मेंबर थे पूरे ट्रक एसोसिएशन में, अभी सिर्फ होंगे 50 या 55 होंगे, क्योंकि वो कुछ गाड़ियाँ जैसे 700 के करीब गाड़ी थी, अभी आज के टाइम पे 200 गाड़ी है, 500 गाड़ी बिक गई है। कुछ बैंक ले गए, कुछ फाइनेंसर ले गए, कोई इन्होंने खुद घाटा डाल के बेच दी। तो अभी तो मंदी का दौर ही है बस। जब हमारा परेड, इधर का परेड का काम चलता था ना, वाघा बॉर्डर ओपन था, तो कम हम तो 10,000-10,000 के आसपास हम लोग एक दिन का निकाल लेते थे। ठीक है जी, हमारे वर्कर 20 वर्कर थे हमारे पास। अभी तो हम वर्कर तो सब घर में भेज दिए हैं, हम लोग खुद ही चला रहे हैं थोड़ा इधर उधर करके। देखते थे पहले सही ही, मान लो भी यहीं जो मान लो सर्कल चलता है, काम चलता है, सारे रोटी खाते ही, मान लो पूरे गाँव इतने, एक गाँव नहीं 600-700 गाँव जो रोटी खाता ही इतों। तो अब कुछ भी नहीं रहा, जिस दिन का वो बंद होया ना बार्डर, सारे कुली भी खत्म हो गए, जो गाड़ी वाले वो भी नहीं, तो पहले 200-300 गाड़ी इधर उधर निकलती ही, तो कुली भी चलते ही, हर काम चलता था। ये जो सीमा पर जो हमारा ट्रेड बनी हुई है, करोड़ों रुपए की इन्होंने मोदी सरकार ने जी यहाँ पर लैंड इंक्वायर कर बनाई हुई है ICP, उसमें डेली का 1.5-2 अरब का माल पाकिस्तान से आता था, यहाँ से इंडिया से भी जाता था, गेहूँ जाता था, सब्जियाँ जाती थी, चावल जाते रहे हैं और कई प्रकार के चीज़ें इधर से भी गए हैं। और ये धंधा चलना चाहिए, मोदी जी के आगे यही बेनती करेंगे हम लोग तो इस इलाके के बारे में। अटारी बहुत पछड़े हुआ एरिया है, बंदरगाह इधर बनी है, इधर साडा एक्सपोर्ट हो सकता माल, पर ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। साडी कणक झोना साडा जो भी फसल ने, अहीं अपने पाकिस्तान दे नाल जां होर काबल तो इत्थों चीज़ां आउंदियां ने, अहीं इन्हां दे नाल व्यापार करना चाहुंदे, पर साडी गवर्नमेंट जिहड़ी है कर नहीं दे रही। साडे कुली फेल हो गए आ, बेचारे जिहड़े दिहाड़ीदार जिहड़े 2-2, 4-4 सौ रुपया कमाउंदे सी, वह बिल्कुल फेल आ कम। जिहड़े दुकानदार आ वह बिल्कुल फेल आ, दुकानदारी जिहड़ी इत्थे बिल्कुल ठप आ, क्योंकि साडा बार्डर एरिया, बार्डर एरिए दे विच एंड आ, अगले पासे तुहानू पता है बार्डर तो अगले पासे तो कोई चीज़ नहीं अहीं जा सकदे, ठीक है ना। और ये जिहड़ी आ मतलब बिल्कुल सानू जिहड़ी आ बड़ा संताप जिहड़ा सानू हर वक्त जिहड़ा झलना पैंदा, कोई व्यापार नहीं रह गया, कोई मतलब इत्थे नौकरी नहीं रह गई, कोई इत्थे मतलब बिल्कुल डावाडोल काम चल रहा। बंदरगाह इन्नी वड्डी बना के, इन्ना पैसा खर्च करके गवर्नमेंट ने, इन्ना पैसा खर्च किया तो उदा जे फायदा ही नहीं है तो फिर फायदा की है, साडे इलाके नूं कोई फायदा नहीं। टूरिस्ट की जे पूरी की पूरी हब है, पूरी ट्रेड की हब है, यहाँ से अटारी से व्यापार निकलता है तो बांग्लादेश बॉर्डर तक सीमेंट जाता रहा है, यहाँ से बॉर्डर से सीमेंट निकलता है तो राजस्थान बॉर्डर तक गया है, यहाँ से सीमेंट निकला है जम्मू कश्मीर की बाड़ियों के अंदर जाकर भी सीमेंट जो है पाकिस्तानी जाके लगाए, इतना यहाँ से व्यापार निकलता रहा है, नेपाल बॉर्डर के अंदर जाके काठमांडू तक मैं ट्रक लेकर जाते रहे। बच्चों की पढ़ाई तो बहुत महंगी है, 2500-2500 रुपया 5वीं क्लास का जो चल रहा है अभी, 2500 कहाँ से लाएंगे, पढ़ाई बहुत महंगी है, बहुत ही मुश्किल है, हर चीज़ की मुश्किल है बहुत ज़्यादा, मतलब हॉस्पिटल की मुश्किल है, जब टेस्ट कराने होते हैं वो पे
8-10 हज़ार 5 हज़ार वो लेते हैं। कहाँ से टेस्ट के वास्ते ही लोग ख़त्म हो जाते, टेस्ट भी नहीं होते, उसकी मौत हो जाती है। यहाँ दोहरी मार की बात नहीं है, अमृतसर, तरन तारण और ये गुरदासपुर, ये तीन जिले इसी पे डिपेंडेंट थे जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इन्होंने ओपन की थी। ये 130 एकड़ में है और 150 करोड़ रुपये इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पे। अभी आप अंदर जाके देखोगे तो वहाँ पे मतलब घास उगी हुई है, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो 150 करोड़ में बस कुत्तों के लिए छोड़ा हुआ है इन्होंने बनाकर। तो लोकल जो गुरदासपुर, अमृतसर और तरन तारण से भी लेबर आती थी, यहाँ से आप सपोज कीजिए कि 25 से 27 हज़ार फैमिली इससे प्रभावित हुई हैं, 25 से 27 हज़ार फैमिलीज परिवार का। हाँ जी, हाँ जी, बहुत असर माड़ा पड़ा जी, जो सेविंग मनी वही खा रहे हैं, तो प्रॉफिट तो कोई आ नहीं रहा अभी। तो आपको मालूम है पहले 2 साल पहले भी बंद रहा ये कोविड की वजह से, तो उस टाइम भी जितना पैसा था जेब से खर्चा किया है, तो अब भी ऐसा ही हाल है। नहीं दे पा रहे थे जैसे पहले काम चलता था, लोगों के बच्चे जैसे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, अभी उन्होंने वहाँ से हटा के लोकल प्राइवेट एलिमेंट्री स्कूल में डाले हुए हैं, जो जहाँ से मतलब सपोज कीजिए गवर्नमेंट ही फीस पे कर रही है। तो कुछ डिप्रेशन की वजह से जब काम बंद हो गया तो एक दो बंदों ने सुसाइड कर लिया, कुछ डिप्रेशन के मारे ही मर गए। तो बच्चे तो ऐसे ही हैं ना कुछ काम चल रहा है पूरे इलाके में, जब से ये बंद पड़ा हुआ है, नशे की जो लत जिनको लगी हुई थी उनकी वजह से चोरियां बढ़ गई हैं, मतलब आम आदमी का 5 बजे से बाहर निकलना मुश्किल हुआ हुआ है। सर हमने भी तो अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों से डाकर सरकारी स्कूलों में डाल दिए, जब प्राइवेट स्कूल वाले तो 2 दिन ऊपर नहीं जाने देते तो चिट्ठी भेज देते हैं। सभी लोगों के जितने भी बच्चे प्राइवेट स्कूल थे सभी ने निकाल कर अपने जो सरकारी स्कूल है उसमें डालने पड़े बच्चों को। ये पार्टियां जब आती है ना, अब इलेक्शन का टाइम है ना, हर कोई कह रहा हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, कोई नहीं कह रहा नहीं करेंगे, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं करते, बाद में कोई भी इतने आन के साड़ी सुनवाई नहीं करता, बिल्कुल ही हम जीरो हैं। प्रैक्टिकल पार्टी वो तो वोटे लेते हैं बस हमसे कि इधर वोटे डालो उधर वोटे भरो तुम लोगों के लिए, बस 22 तारीख के बाद खुल जाएगा, बस ऐसे ही सपने दिखाते रहते हैं, लेकिन इसका कोई इन्फॉर्मेशन पक्का नहीं है हमारे पास अभी। ये हमारा लोगों का नुकसान जड़ा है, हम लोगों को जैसे बेल्ट है ना, बेल्ट ये जो डिफेंस एरिए की बेल्ट है, इस बेल्ट का ही ज़्यादा है। जैसे फिरोजपुर बॉर्डर हुआ, ये अटारी बॉर्डर हुआ, आगे जैसे चल जाता इधर रानिया तो आगे गुरदासपुर, इस बेल्ट का ही ज़्यादा नुकसान है। ये बेल्ट वाल कोई ध्यान नहीं दे रहा। नहीं तो हम तो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, जब भी कोई जंग लगती है, जब भी कोई हल्ला होता है, पहले सबसे पहले ये अटारी को खाली कराया जाता है, चलो पीछे, चलो अमृतसर, चलो जलंधर, चलो कहीं, लोग छोड़कर अपने घर ऐसे बने बनाए भैंसें को इधर ही छोड़कर अपनी चले जाते हैं, उनका कौन वाली बार से, जब ये इतनी ट्रेड बनाई है, ICP बनाई है, तो इनको चलाना चाहिए ना। मान लो क्योंकि हमको तो ये पता भी कुछ भी नहीं करेंगे, जो बिल ही अपने जो वापस की है उसने, देखो कितने 1 साल 13 महीने हम रहे हैं वहाँ पर, तो उसको पता चल गया कि ये तो करना पड़ेगा, फिर दबाव पूरा पेंट करके फिर ये काम हुआ। इधर दबाव नहीं ना पड़ रहा कोई, अभी बॉर्डर कैसे चला देगा वो, मुश्किल है, जब चलेगा फिर तो फ़ायदा होगा, हर एक आदमी को फ़ायदा होगा।